दोस्तों, अगर आप भी जियो पेमेंट बैंक का जो एम पिन है उसे चेंज करना चाहते हैं, जियो पेमेंट बैंक का एम पिन आपको बदलना है, तो उसके लिए माई जियो एप्लीकेशन आप सबसे पहले ओपन कर लेंगे अपना एम पिन चेंज करने के लिए। यहाँ पर डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर बैंक का एक ऑप्शन नज़र आएगा, देख सकते हैं। बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर नहीं शो रहा है तो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर बैंक वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही अगला इंटरफेस आपको यहाँ पर एम पिन डालने के लिए बोलेगा। जो भी आपने एम पिन पहले से सेट किया होगा, अपना एम पिन आपको यहाँ पर डाल लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला इंटरफेस इस तरीके से शो हो जाएगा। अब आपको एम पिन अपना बदलना है, चेंज करना है, तो यहाँ पर माई अकाउंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ठीक उसके सामने देख सकते हैं यहाँ पर एरो का जो आइकन दिख रहा है, आप इस एरो वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अगला इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर सेविंग अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर अकाउंट जो नंबर होगा वो दिख जाएगा। तो अपना एम पिन आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट शो हो रहा होगा, इस थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन दिख जाएगा, फॉरगेट एम पिन और नीचे ऑप्शन दिखेगा चेंज एम पिन का। तो अपना एम पिन आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो नीचे चेंज एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर करेंट एम पिन डालने के लिए बोलेगा। तो जो भी आपका एम पिन पहले से जो आपने बनाया हुआ है वो एम पिन आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके नीचे आपको नया एम पिन बनाने के लिए जो भी आपने यानी जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो नया एम पिन आप यहाँ पर डालेंगे और वही सेम एम पिन आप यहाँ पर दोबारा इंटर करेंगे। यानी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एम पिन अपना सेम इंटर कर लेंगे जो आप चेंज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका जियो पेमेंट बैंक का एम पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा।